मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर का बीजक का एक शब्द सरल सा इस मीटिंग में हम उस पर चर्चा करेंगे। सद्गुरु कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी, पानी माहि पसान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहत घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा, सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जे सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई, अनहद कहत कहत जग बिनसे, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एकै बानी, सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही बिचारे। 10 पंक्तियों का लंबा पद है। पहली पंक्ति ही में ही साहेब मानो सब कुछ कह देते हैं, केवल एक पंक्ति पर विचार कर लें और विचार करके जीवन उतार लें तो एक पंक्ति हमारा कल्याण कर सकती है। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिली जाए। साहब कहते हैं, यदि निर्वार कर लो, विचार लो, विचार करके आचरण कर लो तो आधी साखी एक पंक्ति कल्याण कर सकती है, और विचार न करो, मनन चिंतन आचरण न करो तो पंडितों की बड़ी बड़ी पोथियों को रात दिन भी गाते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बस इधर गाते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और जीवन वैसे के वैसे असाधा अशुद्ध बना रह जाएगा। कितना पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, कितना बोलते हैं, कितना लिखते हैं, इन सब का महत्व है, लेकिन ज्यादा महत्व है जो हम करते हैं। कितना खाते हो और क्या खाते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कितना पचाते हो। रोज बादाम का हलवा खाओ और बिना पचे निकल जाए, बीमारे पड़ोगे, आपको फायदा नहीं होगा। और सूखी रोटी ही खाओ, नमक के साथ सब्जी के साथ, यदि सूखी रोटी पच जाएगी तो उससे पूरी ताकत मिल जाएगी। लोगों के मन में होता है हम ये खा लें, हम वो खा लें, हम वो खा लें, शरीर हमारा बलवान हो जाएगा। या खाओ तो, लेकिन खाने के पहले पचाने की शक्ति बना लो तब खाना, नहीं तो ज़्यादा खाओगे ना तो जो शक्ति वो भी चली जाएगी और जाओगे डॉक्टर पास, रोज दौड़ते रह जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा। ऐसी ही है, थोड़ा ही खाएं लेकिन पचा लें,
ऐसे ही थोड़ा ही जाने, लेकिन जीवन में उतार लें तो थोड़ा जानना भी हमारे कल्याण में सहायक हो जाएगा। और जो जानता है, समझता बोलता है, उसके अनुसार आचरण करता है, वही ज्ञानी है और वही पंडित है। तोता को सिखा दो तो राम राम कह लेगा, साहब बंदगी कह देगा, जय राम कह देगा, नमस्कार कर देगा, कह देगा। लेकिन तोता से पूछो यह राम राम का अर्थ क्या है, तो कहेगा राम राम। तो आप ये कहोगे कि मैं राम राम नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ कि राम राम का अर्थ क्या है, तो तोता कहेगा राम राम। वो उतने सीखा बेचारा। हम लोग भी तोता के समान रट लेते हैं बस, लेकिन जो रटे हैं उसका अर्थ मालूम नहीं है, मालूम भी है तो जीवन में आचरण नहीं है। इसीलिए जानते सुनते हुए भी हम भटक रहे हैं और दुखी हैं। जितना जाने उतने का आचरण करें, उतने का जीवन में प्रयोग करें, तो आगे आगे का रास्ता साफ होता चला जाएगा। यह सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना उसकी गलत आदतें छूटती हैं। सद्गुरु कबीर के अनुसार सच्चा हरि भजन है जीवन से गलतियों का, आदतों का, बुराइयों का त्याग होते जाना। दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है? हमारी आदतें, गलतियां, बुराइयां, और उन्हें हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, समझते भी नहीं है कि ये गलत है, तो छोड़े भी कैसे? दुनिया में अनेक मत हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक ढंग से पूजा है, पाठ है, नियम है, कर्मकांड है, बहुत है। इनमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये कहना बेकार है। जहां हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहते हैं, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। हर आदमी को, जो आदमी जिस मत पंथ संप्रदाय में है, जिस गुरु से वो जुड़ा हुआ है, जिस गुरु से दीक्षित है, उसे बड़ा मानना चाहिए। क्योंकि जब हम बड़ा मानते हैं तो उसके प्रति भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है और समर्पण होता है। किसी गुरु से जुड़े हुए भी हैं, दीक्षित भी हैं, और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो कब तक जुड़े रह जाएंगे? उस श्रद्धा के लिए उसे बड़ा मानना चाहिए कि मेरे गुरु सही है, मेरे गुरु जीवन मुक्त है, मेरे गुरु वैराग्यवान हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गुरु चाहे जैसा हम आँख मुंद कर मान लो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। गुरु में गलती है तो भी कहो नहीं, हमारे गुरु तो जय बहुत कृतार्थ है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब गलती है तो छोड़ना पड़ेगा। अब किसी गुरु की किसी छोटी मोटी गलती को लेकर के गुरु से हम भिदक जाएं, अश्रद्धा कर लें, तो हमारा नुकसान है। बात यहाँ यह है, किसी के प्रति भक्ति भावना रखना है, श्रद्धा रखना है, तो उसे बड़ा मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, तभी श्रद्धा होगी। अब ऐसे समान रूप से हर आदमी अपने गुरु को बड़ा मानता है, अपने मत को, पंथ को, नाम जप को, सिद्धांत को बड़ा मानता है। तो अपने को आप बड़ा मानो, लेकिन ये मत कहो कि दूसरे को कि तुम्हारे गुरु छोटे हैं।
तुम्हारा मत छोटा है, तुम्हारा संप्रदाय छोटा है। जहाँ अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा कहोगे ना, वहीं कलह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। धर्म के क्षेत्र में जितनी लड़ाइयाँ हैं इसी छोटे बड़े के कारण है। सब बराबर है, जिसकी जिसमें निष्ठा है उसके लिए वो बड़ा, निष्ठा नहीं है तो छोटा। तो दुनिया में अनेक मत हैं, पंथ हैं, परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, अनेक ढंग के नाम जप है, अनेक ढंग की पूजा है, अनेक ढंग के और कुछ कर्मकांड है। हर आदमी अपने अपने ढंग से जो धर्म क्षेत्र में है कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन सच्चा भजन क्या है? भजन की कसौटी क्या है? गलत आदतों का त्याग। आखिर भक्ति क्यों करते हैं, भजन क्यों करते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर पहले पूछो, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर पास जाते हैं बीमार पड़ने पर, रोगी होने पर, क्यों? स्वस्थ होने के लिए। और डॉक्टर ने आपको अच्छी अच्छी दवाइयां दी, आप दवाई अपने दवाई खाना शुरू तो किया, लेकिन जिस खाने से आपकी बीमारी बढ़ गई, आप बीमार पड़े वो खाना छोड़ते नहीं हो, तो दवाई कितनी बढ़िया खा लो आप बीमारी दूर नहीं होगी। दवाई तब काम करती है जब उसके साथ में परहेज हो, बिना परहेज के दवाई काम नहीं करेगी। इसी प्रकार ज्ञान की बातें दवाई के समान है, परहेज क्या है? गलत आदतों का त्याग करते जाना। कोई भी गलत आदत हो, और आदतें नहीं छूटी तो भजन नहीं हो रहा है, चाहे आप जितना भी भजन कर लो। कितने देर ध्यान में बैठते हो, कितने देर पूजा करते हो, कौन सा नाम कितने बार जपते हो, अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी आते नहीं छूटी है। एक महात्मा, दृढ़ निश्चय था उनका, 12 साल तक खड़े रहने का निश्चय था। साढ़े ग्यारह साल बीत गए थे खड़े खड़े, खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े टट्टी पेशाब करना, खड़े खड़े स्नान करना, सब कुछ खड़े खड़े। 12 साल तक एक सेकंड भी नहीं बैठना है, और खड़े खड़े पैर सूज गए थे, मवाद बहते थे, लेकिन निश्चय था कि बिना 12 साल पूरा हुए बैठना नहीं है। पूछा गया उनसे कि 12 साल तक इतना निश्चय ही है, इतनी कठिन साधना कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतनी कठिन तपस्या? के भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। 11.5 साल हो गया था। पूछा गया उनसे कि 11.5 साल हो गए, अब तक भगवान मिला कि नहीं? अब तक तो नहीं मिला है, होता था पर 12 साल पूरा होने पर मिल जाए। 11.5 साल हो गए थे खड़े खड़े, एक सेकंड बैठे नहीं थे, मवाद बह रहा था, लेकिन बिना तंबाकू के रहते नहीं थे। इतना निश्चय कि बैठना नहीं, आदत, तंबाकू भी नहीं छूटा है तो भगवान कहां से मिल जाएगा? उनका जो निश्चय है प्रशंसनीय है,
कितना निश्चय, पैरों में दर्द है, मवाद बह रहा है, पैरों में पैर फूल गए हैं, दृढ़ निश्चय है, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि तंबाकू खाना गलत है। कितने लोग तंबाकू नहीं खाते, गांजा का दम लगाते हैं, जितने भी प्रकार के दुर्व्यसन है सब गलत आदतें हैं, गंदी आदतें हैं। और इसके साथ साथ वो महात्मा जो 11.5 साल तक खड़े थे, तंबाकू को खाते थे लेकिन बिना गाली के बात नहीं करते थे, ऐसी ऐसी गालियां देते थे कि आप कान बंद कर लेते, भगवान कैसे मिल जाएगा उसको, भगवान अलग है या नहीं है वो तो छोड़ दो, मान लो है भी तो मिलेगा कैसे। ये गाली छोड़ देते, तंबाकू खाना छोड़ देते, गुस्सा करना छोड़ देते, बैठ जाते तो हो सकता है कि साधना पूरी हो जाती। भ्रम में पड़ करके, अज्ञान में पड़कर, पुराणों की कहानियों को पढ़ करके लोग पता नहीं कैसी कैसी साधना कर लेते हैं, कैसी कैसी, ये साधना नहीं है ये तपस्या, कठिन कठिन तपस्या करते हैं। कुछ लोग 12-12 साल तक के लिए, कुछ लोग जिंदगी भर के लिए मौन हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग करते हैं कि एक हाथ कैसे ऊपर उठा रहेंगे 12 साल तक, जरा भी ऊपर नहीं कर सकते, सोते सह रहेंगे तो जैसा भी होगा हाथ ऊपर ही रहेगा, और क्या क्या करते हैं। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस पर विवेक नहीं कर पाते। तो भजन कहां हो रहा है, भजन है आदतों का त्याग। सुना है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये ऐसा भजन है जो मानव मात्र के लिए आवश्यक है, और ये ऐसा भजन है जिसे किए बिना दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सुखी नहीं हो सकता, कल्याण उसका हो नहीं सकता है। लेकिन इस भजन पर अपने गलत स्वभाव, अपनी गलत आदतें, अपने दोष दुर्गुणों के त्याग पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं या बहुत कम ध्यान देते हैं। आदत लगाने में तो जल्दी लग जाती है लेकिन छुड़ाने में बड़ी मेहनत, बहुत कठिनाई हो जाती है। वैसे किसी को कोई गलत आदत है तो घबराने की आदत की आवश्यकता नहीं है, आप में महान बल है, हर आदमी में महान बल है। बड़ी सी बड़ी गलती, बड़ा सा बड़ा दोष, बड़ी सी बड़ी आदत, बड़ी सी बड़ी बुराई को आदमी छोड़ सकता है। आदमी ही गलती करता है और आदमी सुधार करके महान हो सकता है, बस दिशा बदलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है सही बात को, और समझ करके उसे ग्रहण करने का, अपनाने की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सच्चा हरि भजन अपनी गलत आदतों का त्याग, बुराइयों का, दोषों का त्याग, फिर उसके पश्चात आप जो करना चाहते हैं करो, मंदिर जाते हो अच्छा है, नहीं जाते हो तो अच्छा है, पूजा करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो अच्छा,
पूजा करने से आदमी धार्मिक हो जाता है और नहीं करने से आदमी अधार्मिक होता है, कोई जरूरी नहीं है। मंदिर जाने वाले लोग धार्मिक होते हैं, नहीं जाने वाले लोग अधार्मिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का मतलब है जीवन के आचरण से, दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सेवा है, सहनशीलता है, संतोष है, लोगों के साथ प्रेम का मधुरतापूर्ण व्यवहार है, निश्चलता है, निष्कपटता है, भीतर बाहर एक है मन, ये धर्म है। यदि धर्म का आचरण हो रहा है तो मंदिर जाओ तो ठीक, ना जाओ तो ठीक, पूजा करो तो ठीक, ना पूजा करो तो ठीक, क्योंकि असली धर्म जीवन में उतर रहा है। लेकिन ये धर्म का पालन नहीं होता है। घर में एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं, मिठास का व्यवहार नहीं, मीठी वाणी में बात नहीं, बड़ों के लिए आदर नहीं, सम्मान नहीं, सेवा नहीं, छोटों के लिए प्यार नहीं, रात दिन तू तू मैं गाली गलौज में बात कर रहे हैं और रोज मंदिर जा रहे हैं, मतलब क्या होता है जाने का? किस लिए जा रहे हैं मंदिर? यहां तो बदलना चाहिए ना। लोगों से प्रेम का, सेवा का, समता का, आदर का, सम्मान का व्यवहार करके, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर व्यवहार करके, संतोष रखकर, समता रखकर, दूसरे गलती सहन करके व्यवहार करके अपने घर को मंदिर बना लो ना, फिर मंदिर बाहर जाना है जाओ। लेकिन घर मंदिर तो तब बनेगा ना जब अपना स्वार्थ और अपना अहंकार छूटेगा। सबसे बड़ी गलत आदत तो स्वार्थ और अहंकार है, इसका त्याग हो गया, स्वार्थ का त्याग हो गया, अहंकार का त्याग हो गया, मन में संतोष आ गया और कोमलता आ गई, आचरण पवित्र हो गया, इससे बड़ा हरि भजन और कोई नहीं है। जीवन में जो करना है सही करना है, सोच विचार करके करना है, सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करना है, जो मिल जाए उसमें संतोष रखना है और दूसरों के साथ मिठासपूर्ण कोमलता का, प्रेम का व्यवहार करना है, इससे बड़ा हरि भजन और कुछ नहीं होगा। और ये हरि भजन ऐसा हरि भजन है कि सबके लिए लागू है। इसे हरि भजन ना कह करके आप गुरु भजन कह लो, कबीर भजन कह लो, राम भजन कह लो, अल्लाह भजन कह लो, शिव भजन कह लो, बौद्ध भजन कह लो, जैन भजन कह लो, ईसा भजन कह लो, जो भजन कहना चाहे कह लो, लेकिन असली भजन यही है और इस भजन को लोग समझते नहीं है, इसीलिए बहुत करते भी हैं और जीवन में दुख पर दुख भोगते रह जाते हैं। तो पहली पंक्ति सदगुरु कबीर, ना हरि भजस ना आदत छूटी, मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है, दिखावा करता है, खूब माला पहन लिए, चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, चोटी बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिए, अब बहुत कर लिए, जीवन सुधार पर ध्यान नहीं दिए। इल्ले साहब कहते हैं तुम भजन कहां कर रहे हो? नखरा बनाए राम ना मिली है कहा गया। ये नखरा बनाना क्या है? दाढ़ी बढ़ा लेना, चोटी बढ़ा लेना, जटा बढ़ा लेना, खूब चंदन लगा लेना, तिलक लगा लेना, खूब गले भर माला पहन लेना, ये राम राम कहना, गुरु गुरु कहना, ये तो नखरा बनाना है। और ये नखरा बनाने से यदि मन में शांति आती तो अब तक आ गई होती, अब तक मन का दुख खत्म हो गया होता। लेकिन हम नखरा बनाना जानते हैं, नखरा बनाने में बनाते उसी में नखरा को सब कुछ मान लेते हैं,
भूल जाते हैं उसे। उसके आगे भी कुछ और होता है, न समझना चाहते हैं और समझते भी हैं तो जीवन में उतारना चाहते नहीं हैं। निर्दोष जीवन, सुखी जीवन, निर्दोष जीवन ही हरि भजन करना है। जिसका जीवन निर्दोष है, निष्कलंक, निष्पाप, बस वो भजन कर रहा है, कहीं भी बैठा हो, एक पंक्ति ना हरि भजत ना आदत छुट्टी। सीधी बात है, साहब कहते हैं आदतों को छोड़ो, सच्चा भजन हो जाएगा। शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। दूसरी गलती आदमी क्या करता है, पहली गलती तो मैंने बताया कि धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर आदमी बहुत कुछ करता है लेकिन अपनी आदतों का सुधार नहीं करता, बुराइयों का, दोषों का, गलतियों का त्याग नहीं करता, ये पहली गलती। दूसरी गलती क्या है, धर्म की पोथियों में, धर्म के शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है उन्हें समझने का प्रयास नहीं करता और समझ करके जीवन का, कर्मों का सुधार नहीं करता। शास्त्र अनेक है, हर मत पंथ में अनेक शास्त्र हैं और एक दूसरे की विरोधी बातें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी शास्त्रों में एक जैसी बात लिखी है, एक शास्त्र में दूसरे बात का खंडन कर दिया गया है। हमें समझना है, पढ़ करके समझना है, विवेक करना है कि कौन बात सच है कौन बात गलत है, क्योंकि अनेक प्रकार की बातें लिखी गई है। कुछ बातें महिमा की होती है, कुछ बातें अतिशयोक्ति होती है, बढ़ा चढ़ा करके कह जाती है। सबको पढ़ो, किसी शास्त्र से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, हर शास्त्र में सार है और असार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु के यहां मतलब केवल हमारे जैसे कपड़ा पहनने वाले नहीं है, कबीर साहब दृष्टि में तो मानव मात्र साधु है। साधु का अर्थ होता है सज्जन, साधु का अर्थ होता है अच्छा, जो भी जिसके विचार सात्विक है, जो सदाचारी, वो सब साधु है और मानव मात्र साधु। मनुष्य को चाहिए कि वह सब जगह से सार ग्रहण करे, कैसे, जैसे सूप धान कुटा जाता है या कोई चीज की कुटाई होती है, छिलके भी है, सार भी है, अनाज भी है, चावल भी है, भूसी भी है, सूप में रख देते हैं, पछोड़ते हैं, भूसी उड़ जाती, छिलके उड़ जाते हैं, चावल और दाना सूप में रह जाते हैं। साहब कहते हैं ऐसे ही पछोरो, विवेक के सूप लेकर पछोरो, समझदारी के सूप लेकर पछोरो, निष्पक्षता का सूप लेकर के पछोरो। ये मत मानो कि हमारा शास्त्र है ये पराये का शास्त्र है, ये हमारा ग्रंथ है ये पराये का ग्रंथ है। हमारा और पराया कौन, जो सत्य होता है वो हमारा और पराया नहीं होता। जैसे सूरज किसका है, ये सूरज साधुओं का है कि गृहस्थों का है, स्त्रियों का है कि पुरुषों का है,
हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, कि सिखों का, कि बौद्धों का, जैनों का, ईसाइयों का, किसका है ये? सूरत तो सबका है, उसे जो जितना काम ले ले, जितना प्रकाश ले ले उससे। ये धरती, आकाश, ये हवा, पानी, ये सब जैसे किसी के नहीं है, ऐसे ही जो सत्य है, जो धर्म है, वह किसी का नहीं है किंतु वो सबका है। उस पर कोई अपना एकाधिकार नहीं कर सकता। क्या ये कोई कह सकता है ये सूरज मेरा है, कल से इस चीज की धूप तुम्हें नहीं मिलेगी? क्या सूरज के धूप पर, सूरज के किरणों पर कोई अधिकार कर सकता है? क्या ये कहेगा देखो ये हवा बह रही है ना, आज इतनी सांस लेना ले लो, कल से इसे मैं अपने कमरे में बंद कर दूंगा ताला लगा करके, फिर कल से हवा नहीं मिलेगी? क्या ऐसा कोई करेगा? वो तो सबका है, सबकी हवा। हम सूरज के प्रकाश को, हवा को, या किसी को ताले में बंद नहीं कर सकते, अपने अधिकार में रख नहीं सकते। ऐसे जो कल्याण है, मोक्ष है, सत्य है, धर्म है, उसे हम अपने कमरे में बंद नहीं कर सकते। वो सबका है। अब लोग लेना ना चाहे, धारण करना ना चाहे, तो कोई क्या करेगा? तो निष्पक्षता का सूप, विवेक का सूप लेकर पछोड़ना पड़ेगा। जहां जहां से सार मिल जाए, सच्चाई मिल जाए, वो अपना है। लेकिन आदमी पक्षपात का चश्मा लगा लेता है, पक्षपात की एक पट्टी लगा लेता है। ऐसी पट्टी लगाता है कि वो खोल करके देखना नहीं चाहता। पट्टी लगाना है तो वहां पट्टी लगाओ जहां पर गलत हो रहा है, गलत चीज देखने के लिए पट्टी लगाओ आंखों पर। अब पट्टी लगा लिए, आंख होते हुए पट्टी लगा लिए, तो ना अच्छा देख पा रहे हो, गलत नहीं देख पा रहे हो, गलत भी नहीं देख पा रहे हो। गलत तो मत देखो मत, लेकिन अच्छा तो देखो। लेकिन जब आंख पर पट्टी ही लगा लिए तो गलत तो देखना छूट ही गया, अच्छा देखना भी बंद हो गया। अब आगे बढ़ने का रास्ता समाप्त हो गया, आगे अब हम बढ़ नहीं सकते। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई थी तो गांधारी ने सुना कि मेरे होने वाला जो पति है वो जन्म के अंधे हैं, तो गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। कहा जा सकता है कि ये पति के लिए प्रेम है, पति के लिए श्रद्धा है, पातिव्रत है, ठीक है, लेकिन अपनी आंखें फोड़ लेना है होते हुए भी। यदि गांधारी अपनी आंखों को खोल कर रखती तो धृतराष्ट्र का सहारा बन जाती, ज्यादा अपनी आंखों से धृतराष्ट्र को दिखाती, और धृतराष्ट्र तो जन्म के अंत है। गांधारी ने भी आंख में पट्टी बांध ली। जब माँ बाप दोनों अंधे हो जाएंगे ना, तो जो बेटा पैदा होगा वो दुर्धन बनेगा, याद रखना। जब ये बाप तो पहले अंधा है और माँ अंधा आंख होते भी बांध ली पट्टी, तो बेटा या तो दुर्धन बनेगा या दुशासन बनेगा, और परिणाम क्या होगा? विनाश। यदि ग्रंथधारी पट्टी ना बांधी होती तो दुर्धन को गलत काम करने से रोक सकती थी। लेकिन एक तो मोह हो गया, ये तो उदाहरण मैंने दिया कि उन्होंने
गंधारी ने दुर्धन का छाई को तो देखा ही नहीं, बुराई को भी नहीं देखा, इसलिए दुर्धन बुराई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और अंत में परिणाम क्या हुआ? विनाश। ऐसे ही जब हम अपनी आंखों में पक्षपात की पट्टी बांध लेते हैं, अंधश्रद्धा की पट्टी बांध लेते हैं, तो हमें अच्छाई भी दिखना बंद हो जाता है। फिर हम कहीं से भी अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाते। क्या हो जाएगा? हमारे पल्ले जो भी पड़ेगा वो बुराई ही बुराई होगी। तो पक्षपात की पट्टी नहीं बांधना, अंधश्रद्धा की पट्टी नहीं बांधना है, आंखें खोल करके रहना है और समझना है एक एक शब्द को। कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही समूझी सुधारत नहीं। आदमी दूसरी गलती क्या करता है? शब्दों को, ज्ञान के जो ग्रंथ हैं उनके शब्दों को समझने का प्रयास नहीं करता। मान लेता है कि ये जो धर्म ग्रंथ है ये तो क्या पढ़ने के लिए है, पाठ करने के लिए है, बस पढ़ लिया पाठ कर लिया रख दिया। मान लिया कि हाँ बस इतने हम सुबह शाम पाठ करते रहेंगे और हमारा पाप कट जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होने वाला है, विद धारा में बेड़ा डूब जाएगा। पाठ करो, पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सदगुरु कभी कहे पढ़ो लेकिन छिपा कर रखो मत, उसके जो सार है उसको निकालो, अन्यथा तुम पतन की ओर चले जाओगे। आदमी कहता नहीं भाई ये तो पढ़ने के लिए है, विचारने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो ग्रंथ लिखा, कबीर ने लिखा, अन्य ऋषि मुनियों ने लिखा, तो केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखा है, बार बार कहा है, बार बार कहा है पढ़ो 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 और मनन करो, मनन करके विचार करो, आचरण करो। तो पहली बात हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं क्यों लिखा गया है। महिमा अतिशयोक्त, क्योंकि किसी बात की जब महिमा कही जाती है, किसी बात को जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो सुनने में बड़ा मजा आता है। जस का तस कहो ना, जैसे कि सत्संग हो रहा है यहां पर, तो यहां बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं कही जा रही है, ज्यों के त्यों कही जा रही है, तो लोगों को सुनने में मजा नहीं आता है। और कहो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहो तो मजा आता है, लेकिन वो मजा तो आएगा लेकिन सीख नहीं मिलेगी। वो बातें समझ लो, ये बात लोगों को रस लेने के लिए, देने के लिए है, उत्सुकता बढ़ाने के लिए है। उतना समझ करके छोड़ दो, उसके पीछे क्या है ये समझ लो। तो बात को समझो कि क्यों कहा जा रहा है। बचपन में मैंने देखा था, एक उदाहरण आ गया, याद आ गया, इस छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, अन्य और जो लोग हो गए ना हमसे अधिक उम्र वाले वो सबका अनुभव होगा। पहले छत्तीसगढ़ में लोग बासी खाते थे, अब तो बासी शब्द, बासी जो है म्यूजियम में चला गया होगा, अब शायद कोई खाते, अभी भी सुना कोई कोई खाते हैं। तो होता क्या है कि भात है, रात में भात बनाए, डुबा दिए पानी में, रात भर वो भात डूबा हुआ है, सुबह अगले बासी हो गए, तो उसमें भात का जो पानी है उसमें भात का अंश, जिसे आप छत्तीसगढ़ी में पथिया कहते हैं, उसे पी लो तो शरीर ठंडा रहता था। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, तो छोटे छोटे बच्चे, अब गर्मी के दिन माता पिता कहते थे नहीं बहुत गर्मी है, झांझ चल रही है,
मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, वो तो भाग जाते थे। तो माता पिता कहते थे कि वो जो बासी खाते थे, देखो तुम बासी खा रहे हो ना, तो इसका जो पसिया भी पी लो। बच्चे पीना नहीं चाहते थे, माँ चाहते थे इससे जब पानी जो पी लेगा तो पानी शरीर में रहेगा तो बाहर निकलने पर गर्मी नहीं लगेगी। तो माता पिता समझाते थे कई बार, बच्चे पिता कहे देखो बच्चा पसिया पियो, इसका क्या होगा, जब इसका पानी पियोगे ना तो तुम्हें चोटी बढ़ जाएगी। मैं देखा है बच्चे वैसे पीते थे और चोटी पकड़े रहते थे, बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। तो उसके थोड़े हो, वो तो इसलिए कहा गया था कि इससे इसके बहाने में लोभ देने से बच्चा उसको जो है पिएगा, शरीर में पानी जाएगा। अब कोई पकड़ नहीं, मेरी माँ ने कहा है इसके पीने से चोटी बढ़ती है, माँ झूठ थोड़े बोलेगी। तो माँ का निर्देश क्या है, माँ का संदेश क्या है, ऐसा कहने से बच्चे के मन में इसको ये जो पानी इसको पीने के लिए प्रेम बढ़ेगा, इसलिए वो कह रही है। हम समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही शास्त्रों की बहुत सारी बातें हैं जो एक महिमा में कही गई है, उसके पीछे एक संदेश है, संदेश को लोग समझने की कोशिश नहीं करते। अब फिर सुधारत नहीं, ये तीसरी गलती है। दूसरी गलती, पहली गलती मैंने कहा कि गलत आदतों का त्याग नहीं करना चाहता है आदमी। दूसरी गलती है शब्दों को समझना नहीं चाहता। तीसरी गलती है समझ भी लेता है ये बात सच ये बात गलत, तो गलत को छोड़कर सही को ग्रहण नहीं करता। ये तीसरी गलती है। जब इतनी गलतियां जीवन में है तो कल्याण की आशा कैसे की जाए, दुख से छुटकारा हो जाएगा कैसे माना जाए। पढ़ें, समझें, और समझने के पश्चात जो नहीं करने लायक है उसको तन मन वचन से सदा के लिए छोड़ दें, और जो करने लायक है उसे मजबूती से पकड़ लें, तन मन वचन से पकड़ कर करना शुरू कर दें। ये गलती मिट जाएगी, जीवन ऊपर उठ जाएगा। लेकिन आदमी जब सुधारता नहीं है, समझता भी नहीं है, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा आंधर भये हियोह की फूटी। लोगों के व्यवहार को देखकर, लोगों के कर्मों को देखकर साहब ने कहा मुझे लगता है कि तुम बाहर के अंधे हो गए हो, और तुम्हारे जो भीतर की आंखें हैं, विवेक और विचार की आंखें, वो भी फूट गई है। आदमी के पास चार आंखें होती है, दो आंखें बाहर की जो हम हैं दिखाई पड़ रही है, और दो आंखें भीतर की, इसे हम विवेक और विचार की आंख कहते हैं, ज्ञान और विचार की आंख कहते हैं। विवेक पूर्वक समझना, आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि तीसरी आंख, शिव जी की तीसरी आंख जब खुली तो काम भस्म हो गया। और तीसरी आंख क्या है, ज्ञान विवेक। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, आदरण होता जाएगा, उतना हमारे मन की इच्छाएं कामनाएं वासनाएं शांत होती चली जाएगी। लेकिन आदमी बाहर की आंखों से देखकर भी नहीं समझता है, और भीतर के विवेक विचार का भी उपयोग नहीं करता है। तो ऐसे आदमी के कल्याण का और उपाय क्या है, कबीर साहब ने की साखी है, ऊपर की दो गई हियहु की गई हेराय, कहें कबीर जा की चारी गई ताको का उपाय। बाहर की आंखें तो फूट ही गई है, भीतर की आंखें भी फूट गई। साहब कहते इस प्रकार जिसकी चारों आंखें फूट गई है उसके कल्याण का क्या उपाय है। बाहर की आंखों से देखो अमुक अमुक आदमी ने ऐसी ऐसी गलती की, उसके जीवन में ऐसा ऐसा दुख आया, अपमान हुआ, बदनाम हुआ, जेल गया, सजा हुई, नुकसान हुआ, पश्चाताप हुआ, मुझे ये काम नहीं करना है। जो समझदार आदमी होता है
दूसरों की अच्छाइयों से तो वह सीख लेता ही है, प्रेरणा ग्रहण करता ही है, दूसरों की बुराइयों से भी वह सीख ग्रहण कर लेता है। इन्होंने ऐसी गलती की तो ऐसा फल मिला, मैं करूंगा तो मुझे भी फल मिलेगा, इसलिए मुझे ये गलती नहीं करना है। इसलिए कहा जाता है, अपनी बात समाप्त करूंगा दो तीन मिनट में, कहा जाता है सुकरात, नाम तो आपने सुना होगा, यूनान के महान दार्शनिक संत महाविद्वान, कहते हैं कि यूनान में सुकरात जैसा ज्ञानी उस समय दूसरा कोई नहीं था, बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक। एक बार कुछ लोग सुकरात के पास आए और सुकरात से उन लोगों ने कहा, सुकरात तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे जैसा ज्ञानी हमारे देश में दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे गुरु कौन है? जब तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो तुम्हारे गुरु के तो और बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, हम तुम्हारे गुरु से मिलना चाहते हैं, आपके गुरु कौन है उसे बताओ, उससे भी मिले। सुकरात ने कहा मैं बताऊं अपने गुरु को, कहां बताओ। सुकरात ने कहा दुनिया में जितने मूर्ख हैं ना वो मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा सुकरात आप भी मजाक करते हो, आप इतने बड़े ज्ञानी, ये मूर्ख लोग कैसे आपके गुरु हो सकते हैं? सुकरात ने कहा मैं ठीक कहता हूं, ये जो मूर्ख लोग ये मेरे गुरु हैं। कैसे? वो लोग जो जो गलती करते गए, जिन गलतियों से वे मूर्ख कहलाते हैं, उन गलतियों में मैं छोड़ता चला गया, बस हो गया, इसलिए मूर्ख मेरे गुरु हैं। तो समझदार आदमी दूसरों के अच्छाइयों से तो शिक्षा लेता ही है, प्रेरणा लेता ही है, बुराइयों से भी प्रेरणा लेता है। लेकिन नासमझ आदमी दूसरों की बुराइयों से प्रेरणा लेता ही नहीं, अच्छाइयों से भी प्रेरणा नहीं लेता। बस कौन समझदार और कौन नासमझ, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी, जो दूसरे की अच्छाई के साथ साथ दूसरे की गलतियों से भी सीख ले लेता है वो समझदार और ज्ञानी है, और जो दूसरे के अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों से भी सीख नहीं ले पाता वो नासमझ और अज्ञानी है। साहब कहते हैं ऐसे आदमी को धार का कोई रास्ता बचता नहीं है। यदि हम भी ऐसे नासमझ हैं तो आज से हमें ये रास्ता बदलना होगा। जिस रास्ते पर चल करके आज तक हम दुख पाते रहे हैं, घाटा उठाते रहे, पश्चाताप करते रहे, उस रास्ते को बदल करके सही रास्ते पर चलने लग जाए, ये भजन हो जाएगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। तो कबीर साहब की दो पंक्तियां, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुद्र सुधारत ना ही आंधर भये हियो की फूटी। आदतों का सुधार, शब्दों को समझना और समझ करके गलतियों का त्याग करना, कबीर साहब की भाषा में ये सच्चा हरि भजन है। और जो ऐसा हरि भजन करता है जीते जी वो दुखों से मुक्त हो जाता है, फिर आगे भी उसे मुक्त होना ही होना है। आज यहीं पर अपनी वाणी को मैं अब विराम देता हूँ, बस।